बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो कि मैं गाड़ियों के मुतल्लिक बनाता हूं आप लोगों तक इजी पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मज़दा वैन E2200 लेके आया हूं। कीमत इतनी मुनासिब है कि आप इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे और गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहां से आप गाड़ी की बाहर की लुक देख लें, वाइट कलर किया गया है बाहर से और अंदर से बिल्कुल ये जेन्युइन है, 1993 का मॉडल है। माशाल्लाह गाड़ी हर लिहाज से ओके है और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़र्स्ट ओनर के पास ये गाड़ी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, टोकन इसके अप टू डेट हैं। यहाँ से आप गाड़ी का इंटीरियर देख लें, ये फ्रंट साइड की सीटें, डैशबोर्ड और अंदर से बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में येलो कलर है। अंदर से ये स्कीम की जो गाड़ियाँ थी वही ये गाड़ी है, येलो कलर वाली, अंदर से बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें LCD मिल जाएगी लगी हुई। सीटों की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, अंदर से जो रूफ़ है वो भी अपनी जेन्युइन हालत में है। इसके अलावा आपको CNG किट इंस्टॉल मिल जाएगी व्यूअर्स, और एक बड़ा सिलेंडर 60 किलो का। ये LCD सामने लगी हुई आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आप लोगों को एम्पलीफायर, बूफर वगैरह लगे हुए मिल जाएंगे। व्यूअर्स, सीट्स की बात कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाली कोशिश की गई है। एम्पलीफायर इंस्टॉल है, आप लोग सामने देख सकते हैं, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, अंदर से बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है गाड़ी। जोहो टाउन लाहौर में ये गाड़ी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनर का नंबर दिया है, अगर किसी भी भाई को ये गाड़ी पसंद हो तो उनसे राबता कर लें। इंजन इसमें 4S का है, CNG रन है ये, अंदर से बिल्कुल अपनी जनरल हालत में है। इंजन 100% ओके है ऐसा ओनर का कहना है, और दो टायर इसके न्यू हैं और दो थोड़े से पुराने हैं। व्यूअर्स, अब इसकी प्राइस की बात कर लें तो ओनर ने 7 लाख रुपए इसकी डिमांड की है, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल जेन्युइन है गाड़ी और फर्स्ट ओनर के नाम पे ये गाड़ी है। इंशाल्लाह अज़वजल आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्लियर मिलेंगे और जो भी आपसे ओनर बात करेगा इंशाल्लाह 100% ओके होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि गाड़ी लेने से पहले आप लोग अपनी बिल्कुल तसल्ली करें, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएँ, लेबोरेटरी चेक करवाएँ। जब आप लोगों को गाड़ी की तसल्ली हो जाए उसके बाद ही आप लोग गाड़ी लें। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिया करें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।